हेलो, दिस इज शनाम देव। वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। आज मैं आपके सामने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का लेटेस्ट नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिविल जज की भर्ती होना है। आवेदन प्रक्रिया की प्रारंभिक तिथि 29 दिसंबर 2021 है, जबकि आवेदन करने की लास्ट डेट 27 जनवरी 2022 है। ये जो डेट्स हैं, अभी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य लिखित परीक्षा की ये अभी नोटिफाई नहीं की गई है। पोस्ट का विवरण आप यहां पर देख सकते हैं, राजपत्रित द्वितीय श्रेणी की ये पोस्ट है। वेतनमान भी यहां पर लिखा हुआ है। टोटल 123 पोस्ट है, जिनमें से 62 पद अनारक्षित वर्ग के लिए, 19 अनुसूचित जाति के लिए, 25 अनुसूचित जनजाति और 17 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं। इस तरह से टोटल 123 पोस्ट है। कुछ आवश्यक अर्हताएं यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे भारत के नागरिक हों, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि संकाय में स्नातक की उपाधि यदि आपके पास है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एज लिमिट भी लिखी हुई है, 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में यदि आपकी आयु है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है। लेकिन कुछ कैटेगरी के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी है, जैसे आरक्षित वर्ग जो भी हैं उनको उच्च आयु सीमा में यानी अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट होगी। ओके, और जो भी मध्य प्रदेश शासन के किसी भी संवर्ग के स्थायी या अस्थायी कर्मचारी हैं तो उनके लिए यहाँ पर अपर एज लिमिट 21 से 38 वर्ष होगी, यानी कि यहाँ पर भी अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फी की। अनारक्षित वर्ग जो भी हैं, जिन्हें किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के जो आवेदक होंगे उनके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फी 1047.82 रुपये होगी। यहाँ पर पूरा विवरण दिया है, परीक्षा शुल्क 400, पोर्टल चार्ज 577 रुपये, इस तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ऐसे ही जो आरक्षित वर्ग हैं इनके लिए एप्लीकेशन फी 647.82 रुपये होगी। यदि आप प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं तो फिर मेंस एग्जामिनेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे, जिसके लिए एप्लीकेशन चार्ज 283.20 रुपये होगा। आवेदन करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां यहां पे दी हुई हैं, आप इन्हें रीड कर सकते हैं। एग्जाम का पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा, मेंस परीक्षा, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू भी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो 150 नंबर की होगी, ऑनलाइन तरीके से आपका एग्जाम होगा। एग्जाम सेंटर भी यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना, उज्जैन आदि यहाँ पर टेंटेटिव एग्जाम सेंटर है। सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन भी आप देख सकते हैं, टोटल 150 क्वेश्चन में से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनकी मार्किंग भी यहाँ पर दी हुई है। ओके, एक तरफ विषय के नाम लिखे हैं, फिर कितने प्रश्न उस विषय से पूछे जाएंगे और कितने अंक उनके लिए निर्धारित है। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 और टोटल अंक भी 150 है। टाइम की यदि हम बात करें तो 120 मिनट यानी कि 2 घंटे आपको मिलेगा। याद रखें, किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। आप चाहें तो www.mpsc.government.in पर जाकर मॉक टेस्ट जो उपलब्ध हैं उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई करते हैं उन्हें मेंस एग्जामिनेशन के लिए इनवाइट किया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि प्री एग्जामिनेशन में सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो भी आवेदक होंगे उन्हें मिनिमम 60%, जबकि जो भी आरक्षित श्रेणी के आवेदक है उन्हें मिनिमम 55% लाना होगा। यहाँ पर आवश्यक सूचनाएं दी हुई है, जैसे कोविड के चलते आपको एग्जाम सेंटर में 30 मिनट पहले पहुंचना होगा। इसके अलावा बाकी और भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से रीड कर ले, उसके बाद ही अप्लाई करें। ये जो नोटिफिकेशन है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन के बारे में भी दिया हुआ है, जो कि 400 मार्क्स का होगा आपका। ओके, इसके भी यहाँ पर सब्जेक्ट दिए हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। तो मेंस एग्जामिनेशन के चारों ही प्रश्न पत्र जो होंगे उनका सिलेबस भी यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र, ऐसे ही द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ प्रश्न पत्र में क्या सिलेबस होगा वो यहाँ पर दिया हुआ है। मेंस एग्जामिनेशन के बाद इंटरव्यू होगा, उसके बारे में भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो यदि आप लोग सिविल जज बनने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यदि इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अपडेट बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू।